सौमित्र, ब्रेकिंग न्यूज में पहली खबर ही कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना का कर्फ्यू काल अभी भी जारी है। खबर बड़ी है, देश में कोरोना से तीसरी मौत हुई है। ये मुंबई के एक निजी अस्पताल में हुई है। 64 साल की पीड़ित बुजुर्ग की मौत हुई है। 131 पहुंची है संक्रमित मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है 15 और ओवरऑल देश में 131। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। स्कूल, विश्वविद्यालय ये 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिम, संग्रहालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र को बंद किया जाएगा। देश में कोरोना का कर्फ्यू काल जारी है। देश में कोरोना से तीसरी मौत हुई है। 64 साल के पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर है भारत समाचार के जरिए जो आपको मिल रही है। प्रदेश की योगी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 प्रस्ताव पर